अपनी दुल्हन की खैर मना। बीनू को इससे इश्क हो गया है। इश्क कोई भी करे, दुल्हन तो मेरी ही रहेगी। पानी कहाँ से आया? यरमा ने कहा जिस पानी से बर्तन धो उसको फेंको नहीं, हम उससे फूल खिलाएंगे। जोर से मार। हाँ, ताकत लगा, जोर से। काकू से मेरी शादी की वजह भी बाबा की जिद थी कि लोहारों की बेटी है, लोहारों में ही जाएगी। औरत माँ बनने लगे तो इतनी सुंदर हो जाती है। मुझे पता है तू मुझसे क्या सवाल करना चाहती है। क्या सवाल? यही, मेरे बच्चे क्यों नहीं है। तो करम दीन है, तुम्हारे सब्जादारों से आया। बज्जू को डंगर देने हर साल आता है। हर साल आता है? मुझे पता नहीं चला। हाँ, तो डेरे से आकर चला जाता है। जैसी आवाज वैसा चेहरा, दोनों ही भले लगते हैं। ये ले। अम्मा, अम्मा, जल्दी से आके
के देख कौन आया है, तेरी सहेली खाला बहनी। कौन बहनी? अरे बहनी तू, 5 साल के बाद शक्ल दिखाई है, कलेजे में ठंडक पड़ गई। कैसे आना हुआ? तू तो जानती है अपने हाथ की कमाई खाती हूँ। दाई सुगरा कहीं गई हुई थी तो ये लोग मुझे बुला रहे हैं, पर किस्मत लड़की पैदा हुई कुछ ना मिला। तूने पीनू को देखा है कितनी बड़ी हो गई है? हाँ मैं समझी तू खड़ी है। मैं सोचती हूँ कि कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए तो उसकी बात तय कर दूँ। पागल हो गई है अभी से उसकी शादी? उसकी उम्र ही क्या है? पिछले चांद में 15 बरस की हो गई है। इतनी कम उम्र में शादी? अभी तो उसके खेलने खाने के दिन है, ऐसी भी चलती क्या है? मेरे बाबा ने भी मेरी इसी उम्र में शादी कर दी थी। जो अकल से काम ले ज्वाला जो तुझ पर गुजरी वो अपनी बेटी को क्यों देना चाहती है? अच्छा ये बता, तेरे घर के काम में कुछ हाथ बटाती है? हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरा आधा बोझ संभालती है। हमारे गांव में कर्जा स्कीम वाले आए थे, मैंने कढ़ाई की मशीन खरीदी है। अच्छा, खाली वक्त में फूल बूटे बनाती हूँ। तेरे साथ तो बीनू भी है, तुम दोनों मिलकर कुछ काम कर सकते हो। पर ये कर्जा अदा कैसे होगा? काम करके पता भी नहीं चलता, तू कहे तो तेरे लिए बात करूं। और काकू? तेरे काम से पैसा आएगा तो उसका ढब भी बदल जाएगा। हाँ शायद, अगली दफा आई तो तेरे लिए कागज लेती आऊंगी। ये क्या हो रहा है भाई? मैं सीना बन रही हूँ। ओफो, ये इतनी छोटी पौरी गुड्डू सी दुल्हन। चलो भाई, इतनी प्यारी दुल्हन को तो कुछ मिठाई खिलाओ मजेदार सी। आ जा मेरे साथ। चाहता मैं इन चिंगारियों को झपट कर खा जाऊं। बाबा, ये लोहे से चिंगारियां क्यों निकलती हैं? लोहे में आग सोई पड़ी होती है, पत्थर की रगड़ से चिंगारी निकलती है। जी चाहता इनको अपने दामन में भर लूं। आग को कोई नहीं पकड़ सकता। मुझे आग से डर नहीं लगता, पर अंधेरे से मुझे डर लगता है। किस बात का डर? इस हथौड़े के आगे तो भूत भागते हैं। मंडी पर जा रहा हूँ, तू इसकी धार देख लेना, तेज कर दे अच्छी तरह।
आग लेने आई हूँ, दो चार कोयले तो डाल दे। अभी सही तरह से भट्टी दहकी नहीं है। तू तो 20 बार मेरे तंदूर से आग ले जाती है, मैंने कभी मना नहीं किया। मैंने कहा ना वक्त लगेगा, कर सकेगी इंतजार। इंतजार करना तो मेरा काम है, अपने तंदूर पर ना सही यहाँ सही। ना चला कर। और किस तरह चलूं अम्मा? दुपट्टा सर पे रख, बाल बांधा कर। मैं क्या करूं अम्मा, बाल खुद ही खुल जाते हैं और दुपट्टा फिसल जाता है। अच्छा अच्छा, पानी भर कर लाती है ना, तो मटके को मुंह तक ना भरा कर, पानी गिरता है, एक एक बूंद सोना है, हिफाजत किया कर। मैं क्या करूं अम्मा, पानी गिरे तो अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा। और फिर अम्मा, घड़ा सर पे रख के सबसे तेज मैं ही चलती हूँ, आज भी सब पीछे रह गए थे। अच्छा अच्छा, जो कहा है वो किया कर। अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, तू भी तो सबसे तेज चला करती थी, मुझे सब पता है। यार काकू, यहाँ जान बनाई है भाई। सेवा करता हूँ, अच्छा खिलाता हूँ। देख इसकी चोंच, और ये देख पंजे। ओए ओए, बड़े नोकीले, ऐसा झपटता है मेरा राजा, कोई बराबरी नहीं कर सकता इसकी। वैसे वो पिछले साल गज्जन के मुर्गे ने भी खूब लड़ाई की थी। छोड़ छोड़, उसने क्या लड़ना है। ये ना के लड़ता तो वो भी सीना तान के। पिछले साल जब राजा से जुटा था तो कोई कह नहीं सकता था कौन जीतेगा। आ, पर जीता कौन? एक ने तो जीतना ही था, पर क्या खूब लड़ा है भाई। गज्जन मुर्गा लड़ाता है इनाम के लिए, पैसा लगा होता है पैसा। उसने तो जान लड़ानी है। तू मुर्गा पैसे के लिए नहीं लड़ाता। इसने तो भाई ये दिखाना होता है कि जैसा तगड़ा मेरा राजा वैसा ही तगड़ा मैं। यार ये बड़े जबरदस्त बदाम है। वो जो पंजू का चरवाहा है ना, करमदीन, हाँ, उससे मंगवाए हैं, बाग के ताजा बादाम है। यार काकू, तुझे पता है बेजी की लड़की हुई है। बेजी के लड़की? हाँ। कल तो आप ही लड़की थी। हाँ, यहाँ आ जाती और मुंह फुलाकर धोकनी की तरह फूके मारा कर। इस हिसाब से तो शेरू बाबा बन गया। बाबा? बाबा नहीं, शेरू नाना बन गया है। हाँ। नाना बन गया। ये लड़कियों का भी खूब है,
दिनों में जवान होती है और दिनों में शादी। शादी तो नहीं है, अब तीनों की भी शादी करना है जल्दी। लड़का देख लिया तूने? हाँ, मोमिनाबाद के लोहारों का लड़का है, उन्होंने हाथ मांगा था। तूने हाँ कर दी? हाँ, मैंने तो जेवर भी बनने दे दिया। बीनू की माँ को भी रेशमी जोड़ा पहनाऊंगा। क्या याद करेगी बेटी की शादी है तू? सबको खुश कर दूंगा। कुछ हमारे लिए भी सोचा है? हाँ, वो भी सोचा है। करमदीन तो बहुत अच्छा गाता है। अच्छा, करमदीन गाता भी है? मैंने तो कभी नहीं सुना। बस थोड़ा बहुत आलाप लेता हूँ। थोड़ा बहुत? इसका गाना तो ऐसा है जैसे बारिश का बहता पानी। हम तीनों ही खड़े सुनते रहे। तीनों? मैं, यर्मा और सुखानी। इसलिए कि मैं हमेशा खुश होकर गाता हूँ, खुश रहता हूँ। यर्मा तो आजकल बहुत उदास रहती है। उदास नहीं, बीमार है वो। तुम जाओ अपना काम करो। करमदीन इसकी बातों में नहीं जाना यार, ये तो बस ऐसे ही बोलती रहती है। सुनो। बोल, क्या बात है? कहाँ जा रहे हो? डेरे पर। क्यों, क्या सोच रही? रात वहाँ ही रहेगा। तो क्या मेहमान को लेकर घर पे ठहर जाऊं? लोग क्या कहेंगे? लोग जाएं भाड़ में, ज़बाने हैं या सांप। क्यों बद्दुआएं देती है? कभी तो सिर्फ फूलों की बातें किया करती थी। तब मेरे अंदर फूल खिलते थे, अब कांटे उगते। तेरी ये बंजर जमीन मुझे भी खुश करती जा रही है बंजू। बड़ी देर हो गई। आ जाएगी अम्मा, तुझे भी औरंग उसका पीछा देना होता है। तुझे तो थानेदार होना चाहिए था। चल चुप कर जा, ले तू चला, मुझसे नहीं चलना। सूरज ढलने वाला है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। अभी तो रोशनी है अम्मा। चल उठ, लट्टू छोड़ और देख कर आ, अम्मा के पास रुक गई होगी। कभी तो खेलने दिया कर अम्मा। अरे हाल आते जी,
खैर तो है? अरे बेटा, कपड़े धोने जा रही थी, सांस लेने को बैठ गई। ला, कपड़े मैं उठा लेती हूँ। अल्लाह तुझे खुश रखे। फलो फूलो, दस दस बच्चे खिलाओ। मेरा ख्वाब तो सिर्फ एक बच्चा है, वो भी पूरा नहीं होता। तो हो जाएगा पूरा। याद है मैंने कहा था कि मैं तेरे लिए कोई रास्ता जरूर निकालूंगी, तो तू समझ ले कि मैंने रास्ता निकाल लिया। सच खाला तेजी? हाँ। अल्लाह। यहाँ से 3 गांव पर एक औरत रहती है, दरमानी नाम है उसका। वो जड़ी बूटियों से इलाज करती है और दुआ भी करती है। 3 गांव पड़े? हाँ। कैसे जाऊंगी? मैं तुझे लेके जाऊंगी। खाला तेजी, इसी खुशी में मैं तुम्हारे कपड़े धो देती हूँ। अल्लाह तेरी मुराद पूरी करे। आती हूँ। जर्मा के पास इतने कपड़े, इसके कौन से बच्चे हैं? बच्चा ना होने में इसका क्या कसूर? अच्छा सच बताओ भाई, सुना है? हमेशा सुनी सुना है। पता है, इसे दूसरे मर्दों के साथ देखा है। तुमने अपनी आंखों से देखा है? झूठ क्यों बोलो, सुना है। क्या कर रहे थे? बातें कर रहे थे। बातें करना क्या गुनाह है? जहाँ 4 लोग होंगे वहाँ बात भी होगी। तुम लोग क्यों इस बेगुनाह के पीछे पड़ गए हो? अपना काम करो, कपड़े धो। देख दीनू, यही रिवाज है। मेरे बाप ने भी अपनी मर्जी से मेरा ब्याह काकू के साथ कर दिया था, तो वो गुस्सा भी करता है और नशा भी, मुझे मारता भी है, मगर मैंने अपनी सारी जिंदगी यहीं गुजार दी।
पर मैं ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती। किसका जुल्म? बाबा का जुल्म, तेरा जुल्म, एक माँ का जुल्म। तू भी मुझे अपना जैसा बनाना चाहती है। मैं अपनी बाजी खुद खेलूंगी। हार भी गई तो मेरी जीत है। अपने होने की खुद जिम्मेदार। तेरी उम्र में मेरे दिल में भी ऐसा ही उबाल उठा था, पर जब बाबा ने मेरा ब्याह काकू के साथ कर दिया तो मैंने सब कुछ भुला दिया। तू मुझे उन लोहारों के बेटे के साथ बांधना चाहती है? भट्टी की राख में गलाने के लिए मैं तुझ जैसे नहीं बन सकती। जितना जी चाहे रोक ले, मैं सोनू से मिलूंगी। क्या तू सोनू से मिली थी? हाँ। मरियम, कहाँ जा रही है? सामने से गुजरती और मिलती भी नहीं। तुम मुझे बहुत प्यारी हो, मैं तुम्हें दुखी करना नहीं चाहती। दुखी? हाँ, तुम जब भी मुझे मुन्ने के साथ देखती हो तुम्हारी आंखों में आंसू भर आते हैं। तुम सच कहती हो? ये सोच कर मेरा दिल डूब जाता है कि तुम्हारी गोद खाली है। ये खालीपन नहीं, मुफलसी है। तुमने कभी इसकी शिकायत नहीं की? शिकायत करूं तो किससे, किसके बारे में, जब मैं देखती हूँ कि मेरे हर तरफ हर औरत खुश है और मैं बस इंतजार में हूँ। तुम्हारे पास बच्चे के अलावा सब कुछ तो है जिसकी हर कोई तमन्ना करता है। मेरे हिसाब से तो तुम्हें खुश होना चाहिए। सब हजारों में जब औरत के बच्चे ना हो तो वो बंजर कहलाती है, जैसे खुश्क पहाड़ी में उगती हुई कांटेदार झाड़ी। यर्मा, दिल छोटा ना कर, ये ले, मुन्ने को गोद में ले ले, ये तेरे साथ खुश रहता है। नहीं मरियम, मुझे लगता है मेरे हाथों में ममता की नरमी ही नहीं। पागल हो गई हूँ, ऐसा मत बोला करो। मैंने कहा था ना कि मेरी बहन की नंद के 14 साल बाद बच्चा हुआ था। नहीं सुननी मैंने ये बात। मुझे पानी पिला दे। इसकी मूछें तो देखो। क्या हुआ? अरे तो कहाँ से आया है? मैं चरवाहा हूँ। तो बात तो देखो। क्या हो गया? ए, ए, पानी, पानी! बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। काकू, तेरा हथौड़ा क्यों आग लेने आई है या आग लगाने आई है? जहाँ पहले ही आग लगी हो मैं क्या लगाऊंगी, मैं तो प्यार की बातें बताने आई हूँ। ज्वाला का तो दिमाग रोज रोज गर्म होता जा रहा है, सीधी बात भी उल्टी लगती। क्यों बड़बड़ाती है बंसी पर? ये तो मेहमान है। सीना तान कर जेती हूँ, तंदूर पर रोटियां लगाती हूँ। जो कोई खुद आए तो तुसी सो नहीं रोक सकती।
तुझसे तो ना अपना मर्द संभलता है ना अपनी बेटी। खबरदार, जो मेरी बेटी का नाम लिया मैं तेरी जबान खींच लूंगी। समझी तू? क्या क्या कह रही है? बकवास करती है ये। बीनू कहाँ है? कहाँ है बीनू? दूध लेने गई है। दूध लेने गई है या किसी से मिलने गई है? देख मैं तुझे मना कर रही हूँ वरना मैं तेरे से बहुत फिर नहीं छोड़ूंगी। फिर मैंने सोनू के साथ किसी और को ही देखा होगा। अंदर आ जा, अंदर।